Hello everyone, so today we will be learning about the last theory of learning, that is the insight theory of learning. तो देखते हैं insight theory किसने दी थी. Kohler's insight theory. तो किसने दी थी? Wolfgang Kohler was a German psychologist who like Max Wertheimer and Kurt Kafka contributed to the creation of जेसल्ट साइकोलॉजी. तो क्या था इनका एक्सपेरिमेंट? एप्स पे था. कॉलर का एक्सपेरिमेंट था एप्स. तो क्या किया था उन्होंने देखते हैं. जैसे कि इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि फर्स्ट डायग्राम में दो ब्लॉक्स रखे वो एप बनाना तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है. दूसरे डायग्राम में है कि ही इज ट्राइंग टू टेक इट आउट विद अ स्टिक. तो क्या था? इन 1920 जर्मन साइकोलॉजिस्ट वुल्फगैंग वाज स्टडिंग द बिहेवियर ऑफ एप्स. का बिहेवियर स्टडी कर रहे थे वो. तो उन्होंने डिज़ाइन किया सम सिंपल एक्सपेरिमेंट दैट लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ वन ऑफ द फर्स्ट कॉग्निटिव थ्योरी ऑफ लर्निंग विच ही कॉल्ड एज द इनसाइट लर्निंग. कोहलर कॉल्ड दिस न्यूली ऑब्जर्व टाइप ऑफ लर्निंग एज इनसाइट लर्निंग. तो क्या होता है इनसाइट मीनिंग? क्या होता है? द अबिलिटी टू हैव अ क्लियर डीप एंड सडन sometimes sudden understanding of a complicated problem or a solution. तो हमको पता होना चाहिए कि हमारे साथ क्या हो रहा है. फॉर एग्जाम्पल इनसाइट का मतलब मैं बताऊँगी. एक साइकेट्रिक पेशेंट है जिसको हम अगर बोलेंगे कि यू हैव अ साइकेट्रिक डिसऑर्डर या तुम पागल हो, तो वो अगर बिलीव नहीं कर रहा है कि मुझे नहीं है, अगर वो बोल रहा है कि आई एम नॉट इल, आई एम नॉट साइकोलॉजिकली स्टेबल और आई एम वेल, सो what we will say that he doesn't have the insight. Then Kohler's insight theory dekhenge. To is diagram mein aapko dikhega ki first picture mein bahut upar rakha hai fruit and he is trying to reach out but he can't. Then in second picture you can see that he is trying to collect the boxes and put one over each other to reach the fruit. In the last picture you can see that he got the fruit. So this experiment tells us that the learning behavior of apes, that is why it is insight theory of Kohler. Okay, this was the last theory. I hope you understood. We will continue with the next topic tomorrow. Till then, keep watching and keep learning.